हेलो सो टुडे वी डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं अ लिटिल फिश स्टोरी और जिन बच्चों ने अ लिटिल फ़िश स्टोरी का वीडियो नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इज़ फन सबसे पहले हम रीडिंग इज़ फन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन इज़ हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी कितनी फिशेस थी हाउ मैनी यानी कितनी फ़िश समुद्र में थी तो मैंने आपको समझाया भी था देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिशेस फिश इन द सीज़ यहाँ पे आप फिश ही यूज़ करेंगे फिशेस नहीं करेंगे देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन कितनी थी मिलियन फिशेस मैनी मिलियन बहुत सारी फिशेस थी वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी जो छोटा फिश था वो अनहैप्पी क्यों था द लिटिल फिश वॉज़ अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत छोटा था मैंने आपको बताया था ना इस स्टोरी में एक मेल फिश है तो वो बहुत छोटा था इसलिए वो बहुत दुखी रहता था अनहैप्पी रहता था थर्ड क्वेश्चन वट हैपन टू द फिश वन डे एक दिन फिश को क्या हुआ सारी फिशेस फिश fish. आप फिशेस की जगह फिश यूज़ करेंगे यहाँ प्लूरल है ना तो वन डे द फिश गॉड ट्रैप्ड ट्रैप्ड मतलब फसना किस में फंस गए थे वो लोग बिग नैट बहुत बड़े जाल में फंस गए थे वो लोग जाल था उस जाल में वो फंस गए थे एंड ही वॉज स्विमिंग इन वाइल ही वॉज स्विमिंग इन द सी विद हिज फ्रेंड्स जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग uh, कर रहा था तो सारे फिश जो थे वो गॉड ट्रैप्ड इन अ बिग नेट बड़े से जाल में फंस गए थे आगे देखते हैं क्वेश्चन फोर वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश फिर लास्ट uh, में आपने देखा था ना कि जो लिटिल फिश थी ही वॉज़ वेरी थैंकफुल टू गॉड वो गॉड को थैंकफुल गॉड की थैंकफुल क्यों थी शुक्रगुजार क्यों थी द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश क्योंकि बाद में उसको बहुत खुशी हुई थी कि वो बहुत लिटिल बहुत छोटी सी फिश है बिकॉज ही कुड एस्केप फ्रॉम दैट नेट जस्ट बिकॉज ही वॉज स्मॉल क्योंकि छोटे होने की वजह से ही वो जाल में से निकल गई थी और दोबारा से समुद्र में आ गई थी इसलिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे इतना छोटा बनाया टॉक टाइम टॉक टाइम के क्वेश्चन आंसर अब हम डिस्कस करेंगे इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश अब आपको इमेजिन करना है ऐसा सोचना है कि आप एक छोटी सी फिश हो डिस्क्राइब करना है आपको कि आप अपने आस पास क्या क्या चीज़ें देखते हैं या देखेंगे तो आंसर आप इसका लिखेंगे देर आर वाटर एवरीवेयर देर इज़ वाटर एवरीवेयर तो वो छोट आप इमेजिन कर चुके हो कि आप एक फिश हो तो आप कैसे बताओगे देर इज़ वाटर एवरीवेयर हर जगह पानी ही पानी है आई कैन सी कलरफुल प्लान्ट फ्लोटिंग अराउंड मी मेरे आस पास जो है वो कलरफुल प्लान्ट फ्लोट हो रहे हैं बह रहे हैं आई हैव लॉट ऑफ कलरफुल फिश फ्रेंड्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारी कलरफुल फ़िश मेरी फ्रेंड्स हैं देर आर बिग फिश टू और कुछ बड़ी भी हैं आई ट्रू बी आई ट्राई टू बी अवे फ्राम द वंस हो माइट ईट मी और मैं उन बड़ी बड़ी फिश से दूर रहता हूँ जो मुझे खा सकती हैं समाइम्स आई सी अ कपल ऑफ पीपल अराउंड मी कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे आस पास कुछ लोग भी आ रहे हैं दे जस्ट come स्विम इन द वॉटर एंड लीव जो वहाँ पे थोड़ी देर स्विम करते हैं और फिर चले जाते हैं आई एम वेरी लिटल सो एवरी seems सो बिग टू मी मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए मुझे सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं तो ये आप समझ गए इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं नाउ वी डू वर्ड बिल्डिंग अब हम वर्ड बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा है या फिलदी ब्लैंक्स भी आप कह सकते हैं लुक का लुक्ड तो ये लुक जो है बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है और जो लुकड है वो सेकेंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं जैसे आई लुक मैं देख रहा हूँ या लुक्ड मतलब मैंने देखा ये पास्ट सेकेंड फॉर्म जो है वो हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होती है जब आप पुरानी बातें बताते हो कोई स्टोरी बताते हो या बीती बात बताते हो जो आपने कल कर चुकी है या पहले कर चुकी है उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म जैसे ही फिलहिदी ब्लैंक्स हैं तो टॉक का क्या हो जाएगा टॉकड पिक पिकड विश विश्ड बार्क बार्कड Pull, pulled, want, wanted, help, helped तो ये सारे आप लर्न लें कर लेंगे फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी कुछ सेकेंड फॉर्म जरूर पूछूंगी तो आप उसके आंसर्स मुझे देंगे ठीक है अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन टू इसमें भी एक टाइप से फिलिंदी ब्लैंक्स दिया है और हमें राइट वर्ड चूज़ करना है इसमें बच्चों आपको एक बॉक्स दिया होगा उसमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे जो मैंने हाईलाइटेड ये जो हाईलाइटेड में लिखे हैं ये वर्ड्स आपके बॉक्स में लिखे रहेंगे लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है सिर्फ आंसर्स ही लिखे हैं तो इसको आप देखेंगे अ ग्लास ऑफ अब ग्लास में तो क्या आएगा फ्लावर्स और मैचेस तो नहीं आएंगे वाटर आएगा तो अ ग्लास ऑफ वाटर अ बंच ऑफ फ्लावर्स जब एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स रखते हैं तो उनको बोलते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स ठीक है गुच्छा बॉक्स ऑफ मैचेस मैचेस का एक मैच बॉक्स होता है हमारा इसलिए हमने बॉक्स में मैचेस लगाया है अर्ड ऑफ़ काउस जब ये बेटा ग्रुप है जब हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ठीक है तो काउस जब बहुत सारी एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं अ हर्ड ऑफ़ काउस काउस का जो झुंड होता है अ शीट ऑफ पेपर पेपर के लिए हम शीट वर्ड यूज़ करते हैं अ पैक ऑफ वॉल्स वॉल्स मतलब वॉल्फ आपने वर्ड सुना है बेटा एनिमल का नेम होता है वॉल्फ तो वॉल्फ का ही हमारा प्लूरल होता है वॉल्स जब बहुत सारी वॉल्फ होती हैं तो हम उसको बोलते हैं वॉल्स तो उनका पैक ऑफ वॉल्स ठीक है नेक्स्ट लेट्स राइट अब हमें लिखना है इसमें तो इसमें हमें एक सेंटेंस दिया है आई वर ओनली लार्जर है ना अगर मैं बड़ा होता अगर मैं केवल बड़ा होता हाउ मच हैपियर आई कुड बी तो मैं कितना खुश होता तो ऐसे ही आप किस किस चीज़ में खुश होंगे तो यहाँ पे लार्जर की जगह आप और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे टॉलर अगर मैं लंबा होता तो मैं बहुत खुश होता, या आई थिनर थिनर मतलब पतला स्मॉल मतलब छोटा क्लेवरर मतलब दिमाग से तेज और यंगर मतलब छोटा ओल्डर मतलब बड़ा तो इस इन सेंटेंसेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर मैं बड़ा होता तो कितना अच्छा होता ऐसे ठीक है तो आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं नाउ लास्ट क्वेश्चन सॉन्ग टाइम सॉन्ग टाइम का भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा आप बुक से देख कर लिख सकते हैं आंसर आंसर मैंने आपको बता दिए हैं इसमें फर्स्ट आंसर जो है महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग उसने कैसा गाना गाया था लिटिल यानी छोटा गाना गाया था वेंकटेश लुक्स एट हिम जो वेंकटेश है वो उसकी तरफ देख रहा था वेंकटेश थिंक्स महेश इज़ क्राइंग लेकिन वेंकटेश को क्या लग रहा था कि महेश जो है वो चिल्ला रहा है जबकि वो तो गाना गा रहा था महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग लेकिन जो महेश है वो क्या कर रहा था सिंगिंग गाना गा रहा था फिफ्थ द संग इज़ इन सॉन्ग जो था वो कौन सी भाषा में था इंग्लिश में तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हो गए हैं आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं मैं एक बार फिर से आपके लिए स्क्रीनशॉट्स के लिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं और वीडियोस को आप अच्छे से देखें क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पर आप कमेंट uh, भी कर सकते हैं और लाइक like भी कर सकते हैं और जिसने इसका वीडियो नहीं देखा है लिटिल फिश स्टोरी का वो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय